हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, थोड़ा मास्क निकाल के बताऊंगा जिससे आपको आवाज़ क्लियर हमारा आए। दोस्तों आज स्पेशली हम वीडियो बना रहे हैं हमारी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन प्रीमियम प्लस मॉडल, जो हमने आपके सामने पहले भी बहुत सारी वीडियो सर्व की, आपके सामने यूट्यूब में डाली हुई है और हमारे बहुत सारे व्यूअर सब्सक्राइबर ने देखी हुई भी है और बहुत सारी हमको इंक्वायरी भी आती है वो मशीन के बारे में, प्रीमियम प्लस सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन की। वही हिसाब से स्पेशली हमारे यहाँ सूरत से कस्टमर आए हुए हैं जो हमारी वीडियो यूट्यूब की देख के आए हुए दोस्तों, कि ये हम जो वीडियो में बताते हैं कि कमिट करते हैं कि कस्टमर को क्वालिटी वाइज मशीन का फंक्शन, कि ये हिसाब की मशीन आपको दूसरी कोई मार्केट में नहीं मिलती है, ये हिसाब का आइसक्रीम का क्वालिटी कोई दूसरी कंपनी में नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हमारे स्पेशली एक व्यूअर सूरत से आए हुए हैं जो मशीन का लाइव डेमोस्ट्रेशन हमने उनको दिया है, चला के दिया है। हम थोड़ा हमारे कस्टमर से थोड़ा बात करेंगे। हेलो सर। हेलो सर, कहाँ से आए हो सर आप? सर मैं सूरत से आया हूँ। सूरत से आए क्या? अच्छा, और आपने हमारा रेफरेंस नंबर कहाँ से मिला सर आपको? सर यूट्यूब पे मैंने आपका वीडियो देखा था और उसके बाद फिर मैंने आपके कंटिन्यू 10-12 वीडियो देखे क्योंकि इंटरेस्टेड था मैं। इंटरेस्टेड थे और प्रोडक्ट भी मुझे अच्छी लग रही थी। अच्छा अच्छा, वीडियो से आप देख रहे थे तो अच्छी लग रही थी, वीडियो से मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा अच्छा, और इसके जो अपग्रेड जो फंक्शन है सारे वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, इसके अंदर काफी अच्छे फंक्शन दिए हुए हैं और इजी टू यूज है। इजी टू यूज है, उसमें कोई हार्ड चीज नहीं है, कोई हेवी। हाँ, कोई हार्ड चीज नहीं है और इसको क्या है कि कोई भी ऑपरेट कर सकता है। अच्छा, ये मेन थिंग था। और इजीली कहीं भी इसको अपने कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा, तो ये सब रीजन था। और जो बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत इजी है, कोई अच्छा, भी कर अच्छा, सकता है। बराबर है। और आपके वैसे नॉर्मली सूरत तो हमारे वहाँ जाना जाता है खाने पीने की चीज में, बहुत ही अपग्रेड है खाने पीने का, लोग बहुत ज्यादा उनको पसंद करते हैं वहाँ पे, जैसे आइसक्रीम की चीज हो या कोई फूड आइटम खाने पीने की बहुत पसंद करते हैं लोग वहाँ पे। तो आपके वहाँ भी इस टाइप के आइसक्रीम मशीन लगे होंगे ऑलरेडी? फिलहाल आपने टेस्ट किया होगा क्वालिटी वाइज वहाँ पे, चेक किया होगा? सूरत में बहुत ज़्यादा ये नहीं लगे हैं, बट जहाँ पे भी लगे हैं, ये एक मैकडोनल्ड्स में मैंने ट्राई किया था। मैकडोनल्ड्स में ट्राई किया था मैंने, अक्सर मैं खाता हूँ तो उम्मीद थी कि मुझे वैसा टेस्ट मिले। अच्छा, बट जब मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है तो 100% मुझे उससे अच्छा टेस्ट मिला है। मैकडोनल्ड से अच्छा टेस्ट मिला है आपको? मुझे मिला है और 100% मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, क्योंकि टेस्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा है। अच्छा, और मेरे हिसाब से मैंने सोचा था कि शायद कुछ 19-20 होगा, बट कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट नहीं है। और मैंने एक की जगह पे 4 कोन खाए यहाँ पे। क्या बात है, बिकॉज इतना अच्छा टेस्ट है उसका। बराबर है, सही। और एक दो और कोन खाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, और आपके लिए हमने पूरा इसमें आइसक्रीम का पाउडर मिल्क लगा के सब टेस्ट करा दी आपको, हमने चेक कराई यहाँ पे, टेस्ट आपको अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा है। और मेन चीज है कि इसमें क्या रहता है, मार्केट में बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं, देते कुछ है, बोलते कुछ है, तो उसके लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे कि हम जो यूट्यूब में हमारे व्यूअर्स को बताते हैं कि भाई हम ऐसा मशीन देते, ऐसा चीज रखते, ऐसा बनाते, ऐसा काम है, तो वो एक्चुअल में आपको यहाँ लगा हमारा काम? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और एक्चुअल में जो आप बताते हो वैसा यहाँ पे है, और जैसे जो देखा था हमने उससे अच्छा यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है और कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। आपको जो हमने दिखाया था वो चीज है, हमने जो आप बोलते हैं, हम जो दिखाते हमारे व्यूअर्स को, वो आपको यहाँ पे मिला, देखने मिला, सब चीज 100% मिला है। अच्छा अच्छा, अभी हम सर को फिर से एक बार कोन निकाल के आपको भी दिखाएंगे और सर को भी एक थोड़ा टेस्ट कराएंगे फिर से एक बार। वैसे तो सर ने कोन खाए पहले, 2-3 कोन खाए, फिर भी हम थोड़ा एक और कोन आपको व्यूअर्स के दिखाने के लिए टेस्ट कराते हैं इसको। ये कोन निकलता है इसे, इसमें हमने मैंगो एंड वेनिला दो फ्लेवर लगाया हुआ है फिलहाल, ठीक है? अभी हम मैंगो निकाल के बताएंगे। ये देख सकते हैं आप मैंगो का कोन निकाला है हमने। सर जरा टेस्ट करके एक बार बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को। जैसे मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी 3 तो खा चुका हूँ। अच्छा। और ये खाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि और 1-2 खाऊं। अच्छा, क्योंकि टेस्ट ऐसा है कि खाने के बाद मन नहीं भरेगा। अच्छा। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह अमूल का जो टेस्ट होता है मन नहीं भरता है, मन नहीं भरता है, एक वो ऐसी आइसक्रीम है जिससे मन नहीं भरता है, तो मुझे ये खा के ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी अच्छा और क्रीमी, सॉफ्ट, और इसमें सारी चीजें हैं। सारी चीज़ें। हाँ, और इसमें ऐसा कोई भी कमी नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, बराबर। और आप भी इनके साथ ही आए हुए? हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मेहुल है। मेहुल भाई, हाँ जी। आपने आइसक्रीम टेस्ट किया सर? हाँ जी, मैंने किया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि
यहाँ पे आइसक्रीम का तो टेस्ट, चलो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहली बात तो ये है कि कस्टमर के प्रति जो आपका प्रेम है, जो आपका मतलब यहाँ पे मतलब हमारा जो आगमन जो आपने किया, जो उस प्रति हमको बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो वो है क्योंकि इंसान वहाँ से ही समझो कि जाना जाता है ना, तो उसके बाद फिर जब हमने आइसक्रीम टेस्ट किया आपका, तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा लगा आइसक्रीम भी, है ना। तो ये चीज़ हमको काफ़ी अच्छी लगी, और मैं भी, मेरा फास्ट था तो भाई ने बोला कि नहीं ये खा सकते हो, तो मतलब मुझे भी मतलब खाया तो और लगा कि और एक खाता हूँ मैं ऐसा करके, तो आप और मुझे भी एक छोटा सा बना के मुझे दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। उनको सर को भी हमें एक वेनिला का आइसक्रीम देते हैं टेस्ट करने के लिए एक बार। यहाँ पे ही वेनिला का कौन निकाल के देते हैं हम सर को, जैसे बहुत जगह पे खाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा आइसी भाग वो रहता है, बर्फ का आइस का भाग आता है, थोड़ा कचकच होता है उसके अंदर। हाँ, तो वो चीज क्या है कि इसमें जीरो है, आइसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और जो सोचा था क्रीमी, तो उससे बेटर ही खाने के बाद लग रहा है, खाने के बाद उससे और बिल्कुल भी आइस भाग नहीं है। क्योंकि क्या है कि आइस का जो आइस आता है वो क्वालिटी वेस्ट होता है ना, फिर दूसरा दोबारा कस्टमर नहीं खाता है, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा क्रीमी है। अच्छा। और आई थिंक मैंने मतलब ये फर्स्ट टाइम खाया, भले मैं सूरत में इतनी अच्छी नगरी में रह रहा हूँ, अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा। हम लोग जाते हैं, कितनी बार हम लोग जाते हैं बहुत बार के भाई मैकडोनल्ड्स में वगैरह, मैकडोनल्ड्स और सब जगह, अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे उनसे भी अच्छा लगा ये टेस्ट। अच्छा। तो एक बार सबको मतलब ये ट्राई करना चाहिए। अच्छा। और हमारे को तो हमारे वहाँ कस्टमर विजिट के लिए आते हैं, हमारे लिए वो बहुत अच्छी बड़ी बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे वहाँ कस्टमर आते विजिट के लिए, और हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फिकेशन देने की कोशिश करते व्यूअर्स। आपको भी अगर देखना है, अगर आप आ सकते हैं तो आपके लिए बहुत मोस्ट वेलकम है हमारे लिए, हम आपको इनवाइट करते हैं। इसलिए अगर आपको भी इस टाइप का मशीन यहाँ पे लाइव डेमो करना है तो आ सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा इसकी मशीन की डिटेल चाहिए, तो डायरेक्ट आप हमारे नीचे दिए गए कंपनी के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर कीजिए, और मेन चीज़ें हमने कस्टमर को मशीन ओपन करके भी बताई, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए अभी मशीन ओपन ही है ऑलरेडी, ये देख सकते हैं पूरा, ये पूरी ओपन करके भी बताई कि हम मशीन के अंदर क्या क्या सामान लगाते हैं, क्या क्या स्पेयर पार्ट लगाते हैं। एक्चुअल में हम जो वीडियो में बताते हैं कस्टमर को कि भाई हम क्या मशीन के अंदर कंप्रेसर लगाते हैं, क्या कंडेंसर, क्या फैन लगाते हैं, हर एक जानकारी है मशीन की हमने दिखाई कि भाई हम जो बोलते हैं वही चीज़ देते हैं कस्टमर को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक बार जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।